नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जुलाई गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर एसीबी ने बाड़मेर के कल्याणपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जोगाराम दलाल का काम कर रहा था, साथ ही किशनराम दलाल को भी दबोचा है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों आरोपियों ने आरएएस इंटरव्यू में अधिक नंबर दिलाने की एवज में ठकराराम नामक व्यक्ति से 20 लाख रुपये की रिश्वत ली थी, लेकिन रिश्वत देने के बाद भी आरएएस के इंटरव्यू में नंबर कम आए। इस पर पैसे वापस करते समय एसीबी ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जोगाराम दलाल, किशनराम और इन्हें रिश्वत के पैसे देने वाले ठकराराम को 20 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की मॉनिटरिंग एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत कर रहे हैं। यह कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर की गई। एसीबी तीनों से पूछताछ कर रही है। पंजाब के लुधियाना जिले में लव मैरिज के 4 महीने बाद बीए के छात्र ने घर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाई, जिसे अपनी छोटी बहन को व्हाट्सएप पर भेज दी, जिसमें अपनी पत्नी सहित 6 ससुरालियों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। थाना मॉडल टाउन की पुलिस ने वीडियो के आधार पर पत्नी रमनजीत कौर, ताया इकबाल सिंह, उसके बेटे सोनू, दूसरा ताया जसपाल सिंह, उसके बेटे लखवीर सिंह, चाचा कुलदीप सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय सतनाम सिंह निवासी अब्दुल्लापुर बस्ती के रूप में हुई है। वीडियो में युवक ने कहा कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन और माँ को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं और परिवार से प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर अलग होकर रहने का दबाव बना रहे हैं। इसी बात से तंग होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। बीकानेर जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने स्वर्ण व्यापारियों से सोना लेकर भागे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी बंगाली राजा स्वर्ण व्यवसायी का 30 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया था। आरोपी को यूपी बॉर्डर से पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र के जोड़किया गांव में नाड़ी में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि बालक मंदबुद्धि होने की वजह से नाड़ी में नहाने चला गया था। मृतक बालक पर्वत सिंह निवासी जोड़किया था। टोंक जिले के लांबा हरी सिंह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते युवक युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है, साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान अराई निवासी मनीष शर्मा व फुलेरा निवासी संजू जाट के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देश भर में एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बार बार चेतावनी दे रहे हैं। इसी बीच अगले महीने से शुरू हो रहे पर्व और त्यौहार के सीजन ने भी केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नजर रखने के लिए कहा है। खासकर केंद्र ने राज्यों को कोरोना के आर फैक्टर पर खासा ध्यान रखने को कहा है। आर फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन रेट। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आने वाले पर्व और त्यौहार के सीजन का जिक्र करते हुए लिखा है कि सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन कराने की खास जरूरत है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए जिलों और अन्य सभी स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है। जयपुर जिले के चोमू थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े महिला की हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि यह घटना अशोक विहार में सामने आई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की हत्या चोरी व लूट की नीयत से किए जाने की संभावना है। मौके पर पुलिस ने FSL टीम को भी बुलाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाड़मेर जिले के महिला थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने रिपोर्ट में 2 भाइयों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने दोनों आरोपियों के पिता पर भी दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि महिला का मेडिकल करवा दिया गया है। वही 164 के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा जिले के मकबरा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पाइप हटाने के विवाद में झगड़ा हुआ था। देखते ही देखते झगड़ा चाकूबाजी में बदल गया और आरोपियों ने 2 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों महिलाओं को घायल हालत में MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पार्षद शंकर शर्मा को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम ग्रेटर के निलंबित मेयर सौम्या गुज्जर से जुड़े मामले में गत दिनों पार्षद शंकर शर्मा को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। जमानत को लेकर आज गुरुवार को एडीजे कोर्ट क्रम संख्या 3 जयपुर महानगर जयपुर में सुनवाई हुई। एडीजे सुमन गुप्ता ने पार्षद शंकर शर्मा की जमानत मंजूर करते हुए 50,000 की दो जमानत वे 1,00,000 के मुचकले पर रिहा कर दिया। पार्षद शंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह नरुक्का ने पैरवी की। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।